दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Redmi Note 9 लॉन्च हो गया है और उसके साथ साथ Redmi Note 9 Pro भी लॉन्च हो गया ग्लोबल वर्जन। एक्चुअली वो प्रो मैक्स है जो प्रो के नाम से लॉन्च हुआ है और जो इंडिया में प्रो आया था वो 9S के नाम से लॉन्च हुआ था। तो एक्चुअली आज कहें तो Redmi Note 9 Pro Max प्रो के नाम से और Redmi Note 9 नया वाला लॉन्च हो गया है। उसके साथ साथ Mi Note 10 Lite और एक Mi फैन है, पंखा उनका वो टेबल फैन होता है ना, वो वाला लॉन्च हुआ है। सारी चीजें लॉन्च की हैं। अब बात करना है Redmi Note 9 का। स्पेसिफिकेशन जो मैंने 1.5-2 महीने पहले प्रेडिक्ट किए थे सारे के सारे राइट हैं, एग्जैक्टली वही हैं। चिपसेट थोड़ा सा अलग है क्योंकि नया लॉन्च है, चिपसेट भी नया नया आ रहा है। एंड इंडियन प्राइस बताने वाला हूं मैं आपको, वेट करना, प्रेडिक्शन ही है लेकिन एक्यूरेट हो सकता है, क्यों वो भी बताऊंगा, जरूर लास्ट तक वेट करना। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो ये चीजें मैं बहुत पहले बता चुका था। मेरा जो पहला Redmi Note 9 का वीडियो आया था उसमें मैंने बताया था कि डिस्प्ले इस बार छोटा होगा। नॉर्मली प्रो में देखोगे तो 6.67 इंच का है, मैंने कहा था उससे थोड़ा छोटा होगा 6.5 इंच के आसपास, तो 6.53 इंच का आया हुआ है। फुल एचडी प्लस का है, पंच होल भी है, रियर साइड पे क्वाड कैमरास भी है, रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। मैं बहुत पहले से ये वाला इमेज दिखा रहा था जो मैंने खुद से बनाया था, एंड अभी का इमेज अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है देख लो तो। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा था कि साइड माउंटेड होगा लेकिन बाद में मैंने बताया कि शायद इस बार रियर हो सकता है, एंड रियर ही आया। चलिए कोई बात नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, सब कुछ अच्छा है। चिपसेट में आएंगे तो MediaTek का G85 का चिपसेट है। अगर मेरा पुराना वाला वीडियो देखोगे जिसमें एक बार लीक आई थी कि ये MediaTek के Dimensity 800 के ऊपर आने वाला है, तब मैंने कहा था नहीं G80 या G90 होगा, तो शायद MediaTek ने मेरी बात सुन ली और Xiaomi ने भी सुन ली और कहा कि भाई अब दोनों का नाम ले लिया है तो कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों चिपसेट आ जाए। तो उन्होंने बीच वाला निकाला G85 एंड नया लॉन्च कर दिया। ऐसा कोई चिपसेट था नहीं पहले और अभी लॉन्च किया है, डेब्यू कर रहा है वो, एंड अच्छी बात है। माली G52 का GPU है, ऑक्टा कोर 12nm पे बेस्ड है, गेमिंग के लिए बेस्ट है। 2,06,000 के आसपास स्कोर देता है आपको अंतुतु का। 8 कोर्स में से 2 कोर 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं जो कि कोटेक्स A75 वाले नए कोर्स हैं, बाकी 6 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड हैं जो कि कोटेक्स A55 वाले बैटरी एफिशिएंसी वाले कोर्स हैं। यानी परफॉर्मेंस आपको मक्खन की तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉइड 10 के ऊपर है जो कि MIUI 11 के साथ आएगा, 12 नहीं मिलने वाला अभी फिलहाल, बाद में अपडेट के साथ आए तो अलग बात है लेकिन अभी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं कैमरा में, तो कैमरा में आपको इसमें क्वाड कैमरा रियर साइड पे आने वाला है जैसा कहा था वैसे का वैसा ही, 48+8+2+2 वाला। 48 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग का GM1 का सेंसर मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। व्लॉग मोड भी आता है, यानी व्लॉगिंग वोगिंग करते हो तो आप कर सकते हो, अच्छी चीज है जो कि ठीक काम की है। फिर उसके बाद फ्रंट साइड में जाओगे तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा आता है जिससे सेल्फी वेल्फी सब कर लोगे, रियर साइड से 4K हो जाएगा। रियर साइड पे आपको फ्लैश मिलता है, फ्रंट साइड में नहीं मिलता। फ्रंट साइड से आप 1080 रेजोल्यूशन वीडियो निकाल सकते हो। देन उसके साथ साथ बुके पैनोरामा HDR दोनों साइड से हो जाएगा। कैमरास प्राइसिंग के हिसाब से अप टू द मार्क है, अच्छे मिल रहे हैं आपको, कैमरा डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। बैटरी की बात करें तो 5020 mAh जो था वही वाला आने वाला है। टाइप सी का पोर्ट होगा एंड 18W का चार्जर होगा। मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्ट किया था मैंने, जाके पुराना वीडियो देख लीजिए आप लोग। सारे वीडियोस है Redmi Note 9 के, 2-3 वीडियोस मैंने बनाए थे, एक मेन वाला बनाया था, उसके बाद दूसरा बनाया था जब वो बताया गया था कि Dimensity 800 के ऊपर आएगा तब, एंड एक तो अभी वो उसका बनाया था जब लिस्ट हुआ था 10 अभी तब बताया था मैंने सारी चीजें। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। 3.5mm का जैक है, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, चलो अच्छी चीज है। डेडिकेटेड स्लॉट आने वाला है वेरिएंट के लिए, अभी लास्ट वाला भी वीडियो जाके देख लीजिए अगर आप मेरा Redmi Note 9 का, उसमें भी मैंने कहा है कि इसमें ये लोग इस बार एक स्टेप बैक लेने वाले हैं। यानी जो 3GB से 4GB पे आए थे, 4GB से फिर से 3GB पे आने वाले हैं और वही हुआ है, 3GB वाला वेरिएंट आया हुआ है जो कि Redmi Note 8 में नहीं था, उसमें 4GB 64GB से शुरू होता था। Note 9 में पीछे गए हैं, 3GB 32GB नहीं है, 3GB 64GB किया हुआ है, जिसकी प्राइसिंग उन लोगों ने $200 रखी है, यानी करीब करीब 15,000 रुपये के आसपास अगर कन्वर्ट करते हो तो। 75 rupees का प्राइस चल रहा है तो 15,000 के आसपास है। एंड दूसरा जो है 4GB 128GB का, वो $250 के आसपास है, यानी करीब करीब 18,000-18,500 के हिसाब के आता है। अब प्राइसिंग की बात करें तो 15,000 और 18,500 में इंडिया में नहीं आएगा ऑब्वियसली, जो कि वहां पे लॉन्च हुआ है वो इंडिया में वैसे प्राइस में नहीं आने वाला है। क्यों मैं बताता हूँ, दो फोन लॉन्च हुए हैं Redmi के, एक है Redmi Note 9 Pro
जो कि इंडिया में मैक्स के नाम से लॉन्च हुआ है, प्रो मैक्स के नाम से। अब इंडिया में उसकी प्राइसिंग जो थी वो 15,000 थी, बाद में जीएसटी बढ़ाने के बाद 16,000 कर दिया बेस वेरिएंट 6GB 64GB का, यानी समझ लो इंडिया में प्राइस जीएसटी के बाद 16,000 है। एंड वहां पे ये वेरिएंट जो है वो लॉन्च हुआ है दोस्तों $269, यानी करीब करीब 20,000 में। तो जो इंडिया में 16,000 में लॉन्च हुआ है वो वहां पे 20,000 में लॉन्च हुआ है। तो जो वहां पे 15,000 में लॉन्च हुआ है, तो अगर 5:4 का रेशियो है देखो, उस हिसाब से देखते हो तो इंडिया में करीब करीब 12,000 के आसपास आएगा या 12,000 से नीचे, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। और दूसरा इसका पॉइंट आता है कि अगर आप Redmi Note 9 Pro को देखोगे, इंडिया वाला जो है उसको देखोगे, तो इसका प्राइस जो है 13,000 था, अब 14,000 कर दिया है। अब 14,000 से में 4GB 64GB आता है, ठीक है, और उनका 4GB 64GB Redmi Note 9 में नहीं आया हुआ है, उसमें 4GB 128GB है, तो उसको मेरे हिसाब से 14,000 में लेके आएंगे। तो अगर आपको Redmi Note 9 Pro चाहिए तो 14,000 में 4GB 64GB, Redmi Note 9 चाहिए तो 14,000 में 4GB 128GB। हो सकता है 3GB 64GB और 4GB 128GB के बीच में Redmi Note 9 में 4GB 64GB वाला भी आ जाए, जो कि 13,000 का होगा, एंड 12,000 में आपको 3GB 64GB वाला मॉडल मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरे प्रेडिक्शन से, और यही इंडिया में आने वाला है। नॉर्मली पहले वाले तो सारे राइट हुए, विश करते हैं ये वाला भी राइट हो, और मुझे नहीं लगता कि इससे कम प्राइस होगी दोस्तों, क्योंकि जो प्राइसिंग है उसे बहुत कम तो नहीं रखने वाली है। तो आप क्या सोचते हो जरूर बताइए, कैसा लगा प्राइसिंग? अगर इंडिया में 12, 13, 14 हज़ार में आता है, तो 12,000 में 3GB 64GB, 13,000 में 4GB 64GB एंड 14,000 में 4GB 128GB, तो आपको कैसा लगेगा जरूर बताइए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। वेट कर रहे हो Redmi Note 9 का कि नहीं? मेरे हिसाब से अगले एक महीने में लॉन्च होना जाना चाहिए, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एक महीने ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर सब कुछ अच्छे चला तो विद इन अ मंथ लॉन्च हो जाना चाहिए। देखते हैं कब लेकर आते हैं, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद डिसलाइक कीजिए, मुझे बता कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टर में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, दोस्तों।